ओके, सेवन नंबर क्वेश्चन। ए प्लस बी इज टू, बी प्लस सी इज टू, सी प्लस ए इक्वल टू सेवन इज टू, सेवन इज टू एट दिया हुआ है। तो चलो ठीक है, ए प्लस बी दिया हुआ हमारा, मान लेते हैं सिक्स एक्स दिया हुआ है, और बी प्लस सी हमारा दिया हुआ है, मान लेते हैं सेवन एक्स, और सी प्लस ए दिया हुआ है एट एक्स। ठीक है, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारी दी हुई है 14, तो सी का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं, यानी सम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2a+b+c। देखो 2a+2b+2c आएगा, तो हमने दो कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 7 15 6 21x आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है 14, यानी कि 2 × 14 वैल्यू पुट कर दिया मैंने, यह हो जाएगा 21x। 7 से काट देते हैं, 7 × 14 7 × 21, यानी कि 4 बराबर क्या आ जाएगा 3x। तो यहाँ x की वैल्यू हमारी आ गई 4/3। ठीक है, हमें निकालना है c की वैल्यू, और दिया है हमारा a प्लस बी प्लस सी इजल टू 14। तो अगर हमको a प्लस बी की वैल्यू पता चल जाए तो c की निकल जाएगी। a प्लस बी निकाल लेते हैं हम, ए प्लस बी इजल टू क्या है 6x, यानी कि ए प्लस बी इजल टू 6 × x की वैल्यू है 4/3, 3 × 6 यानी कि 8। तो अभी यहाँ पर रख देते हैं इसकी वैल्यू, आ जाएगा 8+c इजल टू 14। सी इजल टू क्या आ जाएगा 14 − 8, और c की वैल्यू हमारी आ गई 6। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, यदि 177 को 1:2, 1/2 और 2/3 और 4/5 के अनुपात में 3 भागों में विभक्त किया जाए तो बताएं दूसरा भाग क्या होगा। देखिए, पहला भाग हमारा मान लेते हैं कि 1/2 है, और दूसरा भाग लिखा हुआ है 2/3, और तीसरा भाग हमारा दिया हुआ है 4/5। जब हमारा इस तरह से आता है, इस तरह से जब हमारा एक आता है रेशियो, तो हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका ले लेते हैं एलसीएम, यानी कि 2, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 15 × 30। एलसीएम हमारा आ गया 30। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हम ले लेते हैं, 30 आ गया। अब क्या करते हैं, जितने भी ये रेशियो हैं उन सब में 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि अब इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 × 1/2 तो आ जाएगा 15:2। इसको जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा, आएगा 10, या जाएगा 20। ठीक है, इसको जब हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6 = 30, 6 × 6 = 24। ठीक है, तो अब आप देख रहे हो कि जो अब एक्चुअल रेशियो आया है वो ये आया है। ठीक है, हमने जो है 1:2, 2:3, 4:5 को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये भी सेम है, इसी के बराबर है। तो क्या बता रहा है कि बताएं दूसरा भाग क्या होगा। जो दूसरा भाग हमारा होगा वो 20 का मल्टीपल होगा, यानी कि 20x होगा। अब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 20 × 1 हो सकता है, या 20 × 2 हो सकता है, या 20 × 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी यहाँ पर देख लो, 75 20 का मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और यही एक ऑप्शन है जो सही है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, इनको सबको सम कर लेंगे। मान लीजिए कि पहला भाग हमारा हो जाएगा 15x, दूसरा भाग हमारा हो गया 20x, और तीसरा भाग हमारा हो गया 24x। सम का क्या आ जाएगा आपका, ये 9 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 59x आ जाएगा। ठीक है, बता रहा है कि इन सभी का सम कितना, 177, यानी कि 59x इक्वल टू क्या है 177। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 177/59, और जब कट जाएगा तो ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वाली वैल्यू पूछ रहा है, सेकेंड वाली वैल्यू हमारी 20x, यानी कि 20 × 3 = 60, यह हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
दिया हुआ है एच टू बी इजकल टू 3/4, बी एच टू सी इजकल टू 5/7, और सी एच टू दी हुआ है 8/9, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एच टू डी। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो दिया हुआ है एच टू बी बराबर 3/4 और बी एच टू सी दिया हुआ है 5/7, सी एच टू डी हमारा दिया हुआ है 8/9। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग अप्लाई करते हैं ये वाला एच टू बी देन बी एच टू सी देन सी एच टू डी, ये सब अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देखो जब इस तरह से रहता है, हमने बताया है कि आप इसको गुड़े क्या कहते हैं अपॉन के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, यानी कि देखो एक चीज़ एच टू बी है, ठीक है, एच टू बी इस फॉर्म में लिख सकते हो। चलो अगर मैं सबका मल्टीप्लाई कर दूँ, एच टू बी इज टू अपॉन बी इज टू सी मल्टीप्लाइड बाई सी इज टू डी, तो देखो क्या आएगा, ये कट जाता है, आता क्या है एक्चुअली ए अपॉन डी आता है, और यही हमारा होता है एच टू डी का रेशियो। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम सिंपली उसको इसी तरह से ही लगाएंगे। ठीक है, तो एच टू बी दिया हुआ हमारा क्या 3/4, मल्टीप्लाई कर लो, बी एच टू सी दिया हुआ है 5/7, फिर मल्टीप्लाई कर लो, सी एच टू डी दिया हुआ है 8/9। देखो इसको काटते हैं, 4 × 2 = 8, 3 × 3 = 9, ये हो जाएगा 5 × 2 = 10 अपॉन 7 × 3 = 21, तो हमारा आ गया रेशियो 10:21। ठीक है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आसानी से आंसर आ गया, ये हमारा ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन हमने लिया है कि यदि एज टू बी बराबर 2:9:1/3 और बी टू सी इजकल टू 2:7:5/14 और डी इज टू सी का वैल्यू दिया हुआ है 7:10:3:5, तो पूछा है ए बी सी डी का अनुपात ज्ञात करना है। देखो एज टू बी हमारा जो दिया हुआ है 2:9:1/3, इसे क्या कर सकते हो कि आप इसे जब इस तरह के दिए होते हैं और आपको सिंपली जो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है, तो आप क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं नंबर नीचे वाले डिनोमिनेटर का, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 9। अब 9 से सभी में मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर से 9, तो एज टू बी तुम्हारा क्या हो जाएगा 9 से 9 कट जाएगा 2:2, ये क्या कट जाएगा 3/9, यानी कि 3 आ गया, एज टू बी हमारा आ गया 2:3। सिंपली हम क्या कर देंगे, बी एच टू सी क्या है हमारा 2:7:5/14, एलसीएम हमारा है 14, तो यानी कि 14 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड में, तो बी एच टू सी हमारा आ जाएगा इधर 14 से 7 × 2 = 14 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4:5। ठीक है, एलसीएम 14 आएगा, तो इसमें भी 14 से मल्टीप्लिकेशन और इसमें भी 14 से मल्टीप्लिकेशन, सेम एज बी एच टू सी 7/10 मल्टीप्लाइड 3/5, एलसीएम इसका दोनों का आएगा डिनोमिनेटर में 10 और 5 का 10। ठीक है, तो 10 से मल्टीप्लाई इधर भी, 10 से मल्टीप्लाई इधर भी, तो डी इज टू सी हमारा क्या आ जाएगा 10 से ये 10 कैंसिल, ये 7 आ गया, 5 × 2 = 10, यानी कि ये 6 आ गया। तो अभी देखो ये सारी चीज़ें आ गई हैं, अब सिंपली हमें ए बी सी डी का निकालना है, तो देखो ये होता है एज टू बी और बी एच टू सी सी एच टू डी, इस फॉर्म में हम करेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में हम करेंगे, एज टू बी दिया हुआ हमारा 2:3 और बी एच टू सी दिया हुआ है 4:5, तो 4:5 हमने यहाँ लिख लिया, और सी एच टू डी दिया हुआ, देखो यहाँ पर डी एच टू सी दिया हुआ ध्यान रखना, और हमें सी एच टू डी करना होगा क्योंकि हम साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, ए के बाद बी आया तो यहाँ बी से शुरू हुआ, ठीक है, अब यहाँ सी खत्म हुआ तो यहाँ सी से शुरू होना चाहिए, और दिया हुआ है डी इज टू सी, तो 6:7 करेंगे। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे। अभी देखो जो खाली खाली जगह है वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम जो पास वाली संख्या होती है उसी से उसको फिल कर देते हैं, ये 4 है तो यहाँ भी 4 लिख लो, और यहाँ देखो 6 है तो इधर भी पूरा 6 6 लिखते चले जाओ। यहाँ पर देखो दो जगह ब्लैंक है,
यहाँ तीन लिख लो, यहाँ भी तीन लिख लो, अभी यहाँ एक जगह ब्लैंक है तो यहाँ पाँच लिख लो, क्योंकि यहाँ बगल में पाँच है। अब क्या करो कि इनको सभी को मल्टीप्लाई कर लो, छः चौका चौबीस दूनी 48 आ गया, और ये छः चौका चौबीस 12, ये देखो 12 चाहती हैं, 12 छक 72 हो गया आंसर, और ये छः पंजे 30, ये आ जाएगा 90, 7 पंजे 35, 35 तीन 95, 105, ठीक है। तो ये आ गया आपका, देखो अब ये तीन से डिवाइड हो सकता है, तो 16, तीन दूना छः, तीन चौके 12, तीन त्रिक्का 9, तीन त्रिक्का 9, तीन पच्चे 15। अब रेशियोस में एक ही मैच कर रहा है, 16, 24, 30, 35, एक ऑप्शन है ये, देखो ये थोड़ा गलत है, 35 होना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ओके, अभी कुछ आसान क्वेश्चन हमने लिए थे जो सिंपली जो है फॉर्मूला बेस्ड पर आधारित थे, कुछ दिमाग में नहीं लगाना था, ठीक है। अगले वाले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, इसी तरह से आप बने रहिए। अगर आपको पसंद आ रहा तो इसे आप ज़रूर शेयर कर दीजिए और लोगों को, और सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने मेरे चैनल को तो। ओके।